अगर हम अच्छा खा नहीं पा रहे हैं या फिर अपने बालों को टूटता बिखरता देख हम लोगों के माइंड में इतना कन्फ्यूजन आता है कि क्या हम लोग अपने बालों में हेयर ऑयलिंग स्टार्ट करें या फिर किसी हेयर ऑयल पे स्विच करें या किसी होम रेमेडी पे जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोई ट्रीटमेंट लें, केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं, हेयर स्पा करवाएं। ये सारी कन्फ्यूजन अगर बालों को गिरता देख के आपके माइंड में भी आती है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वेल वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, फैमिली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपनी जान पहचान करवा देती हूँ। हाय, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती है ऐसी वीडियो जिससे आप सबकी स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ क्लीन एंड हेल्दी रहते हैं। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडीज़ जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट्स दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि हम लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या हमें अपने बालों के लिए किसी होम रेमेडी पे स्विच करना चाहिए या हमें अपने बालों के लिए हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए या हमें अपने बालों के लिए किसी तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये सारे कन्फ्यूजन को आज इस वीडियो में मैं आप सबके दूर कर दूंगी और आपको एक बहुत ही सिंपल और सीधा सा सोल्यूशन दूंगी जिससे आपके जितने भी गिरते हुए बाल हैं वो काफ़ी हद तक सब्साइड हो जाएंगे। कुछ चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारे बाल कभी भी नहीं गिरेंगे। हमारे बालों को दो चीज़ चाहिए होती है, पहला इनफ प्रोटीन एंड दूसरा इनफ हाइड्रेशन। ये दोनों चीज़ आप अपने बालों को अगर हमेशा प्रोवाइड करवाते रहोगे तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं और आपके बालों में ग्रोथ भी आती रहेगी। ये दोनों चीज़ आप इंटरनली भी दे सकते हो और एक्सटर्नली भी अपने बालों को दे सकते हो। आपको जिस तरह से पता होगा कि जैसे हम खाते पीते हैं उस तरीके का ही हमारी बॉडी, हमारे हेयर, हमारी स्किन रहती है। अगर आप अपने डाइट में, अपनी डेली रूटीन में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हो तो उसके बेनिफिट्स आपके स्किन पर भी दिखेंगे और आपके हेयर पर भी दिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने बालों के हेयर केयर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। हर तरह का ऑयल लगा लिया, हर तरह की रेमेडी कर ली, ट्रीटमेंट भी ले लिया या फिर ये सारी चीज़ें दोबारा दोबारा से शुरू करें। तो आप सबके साथ एक सिंपल सी रेमेडी आज शेयर कर रही हूँ। अगर आपने दुनिया की सारी रेमेडी कर ली है ना तो ये रेमेडी उन सब पर भारी है। आप इस चीज़ से अपनी हेयर केयर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और इससे ही आपको इतने टॉप के रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि आपको सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको अपने हेयर केयर जर्नी स्टार्ट करने के लिए कितनी अच्छी और सिंपल चीज़ मिल गई। दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ जो कि हेयर में, हेयर ग्रोथ जर्नी में या हेयर फॉल जर्नी में हम लोगों की काफ़ी हेल्प करती है तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किसी एक सिंगल इंग्रेडिएंट्स का नाम नहीं ले सकती, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिससे अगर आप अपनी हेयर केयर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो या अपनी हेयर फॉल को रोकना चाहते हो तो उससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, वन ऑफ दी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका फेनुग्रीक सीड, यानी कि मेथी दाना जिसे कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये हमारे हेयर केयर में इतना अच्छा बूस्ट देते हैं कि हम लोगों को किसी अदर चीज़ पे स्विच नहीं करने का मन करता है। बट हाँ, ये है कि जो भी ये फेनुग्रीक सीड है इसको आपको एक प्रॉपर तरीके से अपने हेयर केयर रूटीन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा और अच्छे से इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। देखो, सबसे अच्छा तरीका अगर फेनुग्रीक सीड को अपनी हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करने का है तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको इसका पानी बनाना है। यानी आपको इसकी जितनी भी न्यूट्रिशंस वैल्यू है इस छोटे छोटे मेथी के दाने के, उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू को आपको वाटर में लाना है और फिर उसको आपको अपने बालों पर लगाना है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये रिच होता है किसमें, एंटी ऑक्सीडेंट में। उससे अच्छी बात भी ये है कि ये आपने देखा होगा जब भी आप इसको बॉईल करते हो या फिर आप इसे पानी में भिगो कर रख दो तो ये एक जेल की कंसिस्टेंसी में बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बालों को ड्राइनेस से बचाने के लिए। हमारे बाल अगर ड्राई नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे तो वो गिरेंगे भी नहीं। अनदर थिंग इसकी ये है कि ये फेनुग्रीक सीड्स में निकोटेनिक एसिड होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी फेनुग्रीक सीड को रात में भिगो के रख दो, अच्छे से पहले वॉश कर लेना, उसके बाद इसे भिगो के रखना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका जो पानी है ना, इस पानी को आपको इस तरह की स्प्रे बॉटल अगर आपके पास हो तो आप उसमें आप इसे स्टोर कर लो। बालों को अच्छे से कॉम कर लेना, कोई बात नहीं, कॉम करने से अगर बाल आपके गिर रहे हैं तो जितने बाल गिर रहे हैं उतने गिर जाने दो।
बालों को कॉम कर लेना, फिर पूरे बालों पे अच्छे से इसे स्प्रे करना है आपको। इतने अच्छे से स्प्रे करना है ना कि ना सिर्फ आपको स्कैल्प को टारगेट करना है, आपको अपने पूरे बाल को टारगेट करना है, अपने पूरे हेयर की लेंथ पे आपको इसको छिड़कना है। इस तरह से छिड़कना है जैसे आप इसे पानी खुद पीते हो, उस तरीके से आप इसको अपने बालों को पिला रहे हो, ये उनका पानी है। देखो ये प्रोटीन रिच सोर्स होता है, जो फेनुग्रीक सीड होता है इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो प्रोटीन तो हमारे बालों को चाहिए ही चाहिए। प्लस ये हमारे बालों की सबसे अच्छी बात ये कि हमारी स्कैल्प को टारगेट करता है और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हमारे बाल काफ़ी अच्छे होते हैं, सिल्की होते हैं और इसकी जो खोए हुए शाइन है वो वापस आते हैं। आप लोग ये सोच रहे हो कि इसको पूरे बालों में छिड़कने के बाद क्या हमें अपने बालों को वॉश करना है? बिल्कुल भी नहीं, ये सूख जाएंगे। आपको अपने बालों को इसे बिल्कुल नहीं वॉश करना है। पूरा हफ्ता आपको इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। अगर आप हफ्ते में 2 दिन अपने बालों को शैम्पू करते हो तो वो 2 दिन भी आप इसे अप्लाई करोगे, फिर आप शैम्पू कर लो, जो भी आपका मनपसंद शैम्पू आप उसे कर लो। कोशिश करो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला शैम्पू ना लगाओ। उसके बाद क्या करना है कि इसको आपको लगाते रहना, लगातार आपको छूना नहीं है। मंथ में कम से कम पूरा मंथ एक बार लगा ही लो इसको। आपके बालों की जितनी भी खोई हुई अच्छी कंडीशन है वो सब वापस आएगी, आपकी काया पलट हो जाएगी और आपकी हेयर केयर जर्नी में यहीं से आपको बूस्ट मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करना कोई इतना भी कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन नहीं था जो कि आप सबने क्रिएट कर रखा था। एक बार इस चीज़ से स्टार्ट लेकर देखो, आपके हेयर फॉल भी रुकेंगे, आपके हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होगा और साथ ही साथ आपकी जितनी भी डैमेज प्रॉब्लम है आपके हेयर की वो भी आज सबसाइड हो जाएगी। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके ही फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो जिसके माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है अपने हेयर केयर जर्नी को लेकर के, तो फटाफट से उसको ये वीडियो शेयर करो। उससे क्या होगा ना कि मुझसे मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी और उसको ये वाला बेनिफिट भी मिल जाएगा। और कोई हेयर से रिलेटेड आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट्स कर सकते हो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।